नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लकी कॉइन के बारे में बता रही हूं। मित्रों, ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप अपने पर्स में रखते हो तो आपके पर्स में धन का आगमन होने लगता है। और इस तरह के सिक्के अगर आपको ना मिलें तो ये पूजा पाठ की दुकान पर छेद वाले सिक्के बोलकर आप ले सकते हो। छेद वाले सिक्के को आप पेंडेंट के रूप में गले में भी धारण करें। उसके लिए धागा आपको खाकी कलर का लेना पड़ेगा। खाकी कलर का धागा लेवें और उसमें आप छेद वाले सिक्के को धारण करते हैं तो आपकी उन्नति होने लगती है और तरक्की भी होने लगती है और धन का आगमन चहु ओर से होने लगता है। ये जो लकी कॉइन है, इनको आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं, जहां से आपका प्रवेश द्वार है। इस सिक्के को आप पूर्णिमा के दिन अपने मनी प्लांट में भी दबा सकते हैं। इस तरह के सिक्के आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो किसी भी प्रकार का छेद वाला सिक्का लेवें और उसमें लाल डोरा बांधें और उसको आप अपने घर के मनी प्लांट में लगाएं तो आपके घर में बहुत पैसा आता है। तो मैंने कई प्रयोग आज आपको बताए। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, हमेशा आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, सदा खुश रहिए, आबाद रहिए और यदि आपको मेरी बातों में भरोसा है तो उनको फॉलो करिए। इससे आपको लाभ तो ज़रूर होगा। अब अपनी अपनी किस्मत होती है, किसी को थोड़ा जल्दी लाभ मिल जाता है, थोड़ा किसी को टाइम लग जाता है। तो आप अपना जुनून जो है उसे बरकरार रखिए और अपने कर्म करते रहिए तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, किसी भी चीज़ का लाभ पाने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। कोई ये सोचे कि सिर्फ इनको रखने मात्र से कुछ हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। मित्रों, कर्म करना ज़रूरी है। और वैसे देखो, ये चीज़ें अगर रखी जाती हैं ना तो ऑटोमेटिकली इंसान के जीवन में ऐसे अवसर ज़रूर आते हैं जब वो कर्म की ओर उन्मुख होता है। तो एक सिक्के के कई पहलू होते हैं, दो पहलू तो होते ही हैं और एक बात के कई बात होती है। तो कुल मिला के समझने की बात ये है कि आप किसी भी चीज़ में निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और पॉजिटिविटी से वो काम करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो इन सिक्कों को गले में धारण कर सकते हैं, खाकी धागे में पहनकर। उससे बिजनेस में ग्रोथ मिलती है और बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और बुध ग्रह भी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा इस तरह के सिक्के को आप बहते पानी में भी बहा सकते हैं। अगर बहुत तरह की समस्याएं हैं घर के अंदर तो अपने ऊपर से 7 बार उसार कर सिक्के को बहते पानी में बहा दीजिए, लेकिन उसमें लाल रंग का धागा नहीं होना चाहिए। फिर आप उसको बिना धागे के ही बहाएं, लेकिन अपनी मनोकामना जरूर साथ में बोल दें और फिर दोबारा नए सिक्के लेकर आएँ और उनको लाल डोरे में बांध कर आप अपने मनी प्लांट में रखें या फिर आप अपने पूजा स्थान में रखें, मुख्य द्वार पर लटकाएं। किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर जो पर्स है उसमें भी रख सकते हैं और तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये बहुत लकी है और वाकई में ये काम करते हैं। मैंने इनको देखा है प्रैक्टिकली, ये बहुत वर्क करते हैं।